पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई टूट के बाद महाराष्ट्र में सियासी गर्मी बढ़ गई है। अजीत पवार के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद एनसीपी पर अपना दावा करने को लेकर भी बवाल छिड़ गया। एनसीपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए अजीत पवार ने चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया। एनसीपी नेता शरद पवार भी चुनाव आयोग की शरण में पहुंच चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर गुरुवार की देर रात मुलाकात की। एनसीपी में टूट के बाद उस पर नियंत्रण के लिए खींचतान तेज होने के बाद शरद पवार ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सेवानिवृत्ति संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चाहे 82 वर्ष के हो या 92 वर्ष के। एनसीपी की दिल्ली में हुई कार्य समिति की बैठक में अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के साथ सांसद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित करने के फैसले का समर्थन किया गया। दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। एनसीपी में टूट के बाद किसी राष्ट्रीय नेता की शरद पवार से ये पहली मुलाकात थी। गौरतलब है कि एनसीपी में हुई बगावत के बाद सोनिया गांधी, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं ने पवार को फोन कर एकजुटता व्यक्त भी की।